एमक्यूएम वाले कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ हैं? पीटीआई वाले कहाँ हैं? ये लोगों का एक वतीरा बन गया है। देखिए, बारिश आती है तो पानी आता है, तो जब पानी कहीं खड़ा हुआ था जाते हैं तस्वीर खिंचवाते हैं। कल उसी नागिन चौरंगी पे मैं खड़ा हुआ था, आप दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल थी। लेकिन जो लोग कहते हैं बारिश नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में आप सब ने देखा है कि 8-9 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, मुसलसल बारिश हुई है, उसने आपके सिस्टम को टेस्ट किया और जो भी हिकमत अमली थी वो वर्कआउट हुई है। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने काम किया वो खराज तहसीन के मुस्तहक हैं, वो मेरे शुक्रिया के मुस्तहक हैं और हम सब शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छे तरीके से काम किया गया है। बाकी कराची वाले फैसला करेंगे किसने बातें की, किसने ऐलानात किए, किसने नहीं किए। आपने जो बताया कि आपका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था, टीम वर्क था, ये टीम वर्क आइंदा जारी रहेगा क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम को। सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ब्रिजिस पे आप देखें सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, तो ये कोऑर्डिनेशन का सिलसिला अगर जारी रख के आप इस शहर को बेहतर कर सकते हैं। जो मुश्किल हैं अभी सड़कों पर चलना आसान नहीं है, गड़े हैं बहुत, इसको कब तक आप बेहतर करेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो मैंने पहले दिन ये कही थी कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है। और वो केएमसी जहाँ पर मेरे ख़्याल में कुछ होता नहीं था, अब उसी केएमसी के अंदर आपको आला सतह के इजलास भी मुनक्कद होते हुए देख रहे हैं, जिसके अंदर एनएचए को भी बुलाया जाता है, जिसके अंदर बाकी इदारों को भी बुलाया जाता है और क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ कराची के मारूजी हालात को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। केएमसी कहती थी या मेयर साहब कहते थे कि मैं 2 करोड़ से ऊपर का काम नहीं कर सकता हूं। मुझे 5 से 6 हफ्ते हुए हैं, केएमसी ने 1.1 अरब रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर अखबार में पब्लिश किए हैं। 300 मिलियन रुपए का माई कुलाची सड़क की तज़ीनो आराइश की का काम, बाग़ इब्ने कासिम में फ़िश एक्वेरियम, जो मेरी बचपन की याद है जिससे मुंसलिक हैं, शायद आपके बचपन की भी हों, जो बंद पड़ा हुआ था पता नहीं पिछले कई सालों से, उसकी मुरम्मत तज़ीनो आराइश का काम, सराहा खान पार्क और जो ब्रिजेस जिसकी आप बात करते हैं जिसकी एक्सपेंशन जॉइंट्स अरसा दराज से उनको इग्नोर किया गया है, उनको बेहतर करने का काम, और कराची की साहली पट्टी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मछली चौक से जो कैनब की रोड है उसको असर नौ तामीर का इसी हफ्ते गालिबन बुध के रोज़ हमने टेंडर पब्लिश किया है। तो 1.1 अरब रुपये, तो मैंने 5 हफ्तों के अंदर अखबारात में हमने टेंडर का हेड दे दिया और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा के हम ये काम की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से डीएमसीज के लिए भी हमने पैसे और फंड्स अरेंज किए हैं क्लिक के ज़रिए, अफजल जदी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उसके, और हम क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में उन तमाम डीएमसीज के साथ काम करें और इंशाल्लाह हमने टारगेट दिया हुआ है कि 30 जून 2022 तक इस कराची शहर के अंदर निचली सतह पर जो अंदरूनी गलियाँ हैं उनको हम ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की मदद के साथ एक ईमानदारी के साथ एफर्ट की जा रही है और कराची वाले देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। गो के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है कि ख़तरा साइक्लोन का टल गया है, गुलाब हो या शाहीन हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची के बल्दियाती इदारे कतई तौर पर अभी कंप्लेसेंट नहीं हुए हैं कि ख़तरा टल गया है। हमने जो इमरजेंसी नाफिस की थी 2 अक्टूबर तक, वो इसी तरीके से जारी रहेगी, इंतज़ामात अरेंजमेंट्स प्रिपरेशन उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश आए तो अमला मौजूद हो, मशीनरी मोबिलाइज हो, ताकि लोगों को दिक्कत का और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। आज एक और बहुत बड़ा संगमील आपके सूबे सिंध ने उबूर किया है और वो गामा नाइफ सर्जरी या गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर के हवाले से है कि सूबाई सिंध में पाकिस्तान का 3रा गामा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है और ये तीनों सेंटर सूबाई सिंध के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान की किसी और सूबे में ये फैसिलिटी जो कि ट्यूमर को ट्रीट करती है और पेनलेस ट्रीटमेंट है, ब्लडलेस ट्रीटमेंट है ये और बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट है ये, उसका एक अहम संग मील आज उबूर हुआ जब वज़ीर आला सिंध ने दाऊ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में कराची की पहली पब्लिक सेक्टर
गामा नाइफ रेडियोलॉजी फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इससे पहले ये दो और मकामात पर ऑपरेशनल थी, एक सिंध हुकूमत का गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खैरपुर के अंदर वो काम कर रही थी, और दूसरा कराची में एक प्राइवेट अदारा है एमएजना रोड पे, वहाँ पर ये फैसिलिटी थी। ये कराची का पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इस फैसिलिटी के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत ने बेयर किए हैं, सिंध हुकूमत ने इस फैसिलिटी को फ़ंड किया है। और जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये कि इसका इलाज जो होता है दुनिया भर में बड़ा महंगा इलाज है, और पर सेशन ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए इस वक्त इसकी कॉस्ट है। आज वज़ीर आला सिंध ने ये अहकाम जारी किए हैं कि वो 2.5 लाख रुपए भी हम किसी से नहीं लेंगे, यानी कि दाव में ये जो ट्रीटमेंट की जाएगी गामा नाइफ की ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री होगी। और जहाँ मशीनरी सिंध हुकूमत ने ख़रीद के दी थी, इसके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो भी अब सिंध हुकूमत उठाएगी, और किसी भी मरीज़ से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी आपके सामने है। अगर आपने मईशत को इतना ठीक कर दिया है तो स्टॉक मार्केट पिछले 10 रोज़ में तकरीबन कोई 5.5 से 6 हज़ार पॉइंट्स गिरी है। अगर मईशत आपने इतनी ठीक कर दी है तो जो डॉलर की कदर में इजाफ़ा हुआ है और रुपए की कदर में कमी आई है तो वो कमी नहीं आ रही होती। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं रही है, ये अपना काम नहीं कर पाए। इनको सिर्फ एक काम करना आता है जो कि बातें हैं, और बातें करने में इनको मलका हासिल है।